जूनियर हॉकी महिला चैंपियनशिप में देरी से सिमडेगा के हॉकी स्टेडियम में उद्घाटन स्थल पहुंचने का मामला तुल पकड़ लिया है। विपक्ष जहां मामले को लेकर राज्य सरकार और मंत्री हफीजुल हसन को घेर रहा है, तो वहीं मंत्री ने एक बार फिर एक कार्यक्रम के दौरान अपनी सफाई दी। झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन सिमडेगा में आयोजित नेशनल जूनियर हॉकी महिला चैंपियनशिप के फाइनल का उद्घाटन करने देरी से पहुंचे और क्या मामला काफी तुल पकड़ गया। देरी के कारण को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने के कारण लेट हो गए। अभी मामला सुर्खियों में है। विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से इस पर प्रतिक्रिया दी जा रही है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री हफीजुल हसन से जब सवाल किया गया कि विपक्ष इस मामले को लेकर आपसे जवाब मांग रही है, आपने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, बेवजह मामलों को तुल दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करने के कारण लेट हुई है। इसके बावजूद इस मामले को अलग तरीके से, अलग रंग से दिखाया जा रहा है, जो इस राज्य के लिए दुर्भाग्य है। 3:20 से खेल जी, ठीक है, और ठीक मैं 3:20 में पहुंचा, फिर प्रोटोकॉल के हिसाब से जो होता है वो हुआ। देखिए, मेरा ये कहना है, मैं साफ आदमी हूँ, साफ राजनीति कीजिए, लेकिन हर चीज़ में राजनीतिक मत कीजिए। चैनल वालों से भी कहना है कि आप लोग ईमान को थोड़ा रखिए बढ़िया जगह में, और झारखंड को बढ़ने दीजिए। छोटा छोटा सा बात में, मान लीजिए मेरा गाड़ी पंचर हो जाता तो हम रुकते कि नहीं रुकते, बोलिए। 5 मिनट 10 मिनट क्राउड था, जोश था, पहली बार हम वहाँ गए थे, नमाज का भी टाइम था। हम देखिए उसमें जो कटिंग दिखलाया, थोड़ा सा दिखलाया कि नमाज पढ़ने, ये नहीं दिखलाया कि 10 जगह हम उनको रोका गया सब कार्यकर्ता लोगों ने। जब हम कार्यकर्ता है तो हम, पार्टी है तो हम पार्टी है ना, हमको तो कोई IAS एग्जाम दे के तो आए नहीं, ठीक है ना। पार्टी से, कार्यकर्ता का सहयोग से हम जीते हैं और मंत्री बने हैं, तो उनका भी भावना को कदर करना पड़ता है। और हमसे भोलानाथ जी से भी हम बात किए, उनसे बात ये हो रही थी, मेरा प्रोग्राम पहले था कि जाना है सर्किट हाउस, लेकिन वहाँ नहीं जा करके डायरेक्ट हम लोग सीधे मैदान गए। इसमें कोई घेरने दीजिए उसका काम, और क्या काम है बोलिए, घेरेगा। देखिए वो हर वक्त रहता है, ये कहिए कि अभी आप लोग सही ईमानदारी से बतलाइए कि पिछला सरकार इसमें कुछ फर्क लग रहा कि नहीं लग रहा। अनुभव का कमी है, ठीक है, हम भी अभी नया मंत्री बनाए हैं, पहले कभी नहीं थे, लेकिन नए इरादा तो नेक है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।